Hello everyone, welcome again to the Artery Point. This is Alok Pandey and today we'll talk about arrays. Simple, pretty simple. Array सबसे बहुत easy topic है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर आप fresher होगे तो शायद थोड़ा difficult होगा, नहीं तो ये सबसे easy topic है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं array होता क्या है. सो एरे स्टार्ट करने से पहले मैं एक पावर पॉइंट ओपन करके मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है. मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया और यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड इसी तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. कंट्रोल लाइक वी. अब ये क्या, यहाँ पे देखो मल्टीपल चीजें मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देन हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ. सो अब ये लिस्ट ऑफ डेटा ही है. अब इसके अंदर ये जो कलेक्शन, अभी जनरली वेरिएबल क्या होता है, सिचुएशन समझ लेते हैं. सबसे पहले जब हम कोई भी डेटा मुझे स्टोर करना होता है तो मुझे एटलीस्ट एक वेरिएबल रखता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू रख सकते हो. अगर आपके पास आपको मल्टीपल वैल्यूज रखना है, यानी आपके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट के नेम रखने हैं, तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर आप सारी चीजें स्टोर करके नहीं रख सकते, राइट. अगर आपको ऐसा सिचुएशन है तो आपको अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने जाओगे तो आप खुद ही सोच रहे हो कि आप इतने सारे वेरिएबल्स बनाना, उसका नाम डिफाइन करना कितना ज्यादा टाइम वेस्टिंग, कितना ज्यादा टाइम कंफ्यूजिंग होगा. इवन आपको नेम सोचने में ही काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इसका सोल्यूशन यह है कि एरे के अंदर वेरिएबल का नेम एक ही रहेगा, उसके अंदर आप वैल्यूज बहुत सारे स्टोर कर सकते हो, जितने चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप लिमिट को पास कर सकते हो, आपको जितने चाहिए उतने स्टोर करके रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना, राइट, 1000 500 जितना भी रखना है. लेकिन यहाँ पे इस बार आपको हर बार वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस बनाए हैं, सबके अंदर मैं फिलहाल मैं नंबर्स पास कर देता हूँ, 1 दूसरे के अंदर मैं पास कर दिया, यहाँ पे 2 पास कर दिया, तीसरे में 3 पास कर दिया. अब यहाँ सपोज 2 ही है चलेगा, एंड यहाँ पे मैं 3 एंड यहाँ पे कुछ 4 कुछ भी वैल्यू मैं डाल दिया 23. सो ये सारे वैल्यूज अभी तो अलग अलग है. अगर मुझे अगर स्टोर करना है तो हर के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर एरे है तो एरे के लिए आप यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हो एक ही वेरिएबल एंड उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख पाते हो. जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली ए लाइक इंट ए इक्वल टू कुछ इस तरह से. एक सेकेंड, ये देखो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसे एरे बनाने के लिए आपको एक सिंबल ऐड करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ये वाला है स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं. इसके अंदर आपको साइज पास करना रहता है. अगर आप वैल्यू वहीं पे लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, अभी जो वैल्यूज मैंने पास किया है इसे लिखने के लिए आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेस के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो कुछ इस तरह से. जैसे मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कर्ली ब्रेस जैसे ये. ओके एंड सेम चीज इसके राइट साइड में भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड मैं इसे ड्रैग करके रख देता हूँ यहाँ पे एंड इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ. इसे कर ली ब्रेस क्लोज कर दो एंड यहाँ पे इसे ओके सो अब इसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो गया 1 2 3 एंड 23 टोटल वैल्यूज है हमारे. कितने टोटल वैल्यूज है, 2 4 1 5 वैल्यूज है. अब इसके इंडेक्सिंग किस बेस पे होने वाले हैं, इंडेक्सिंग. सो यहाँ पे इंडेक्सिंग जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए एक पोजीशन बनता है. एक जैसे हमारा किसी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एरिया बन जाता है हर एक वेरिएबल के लिए, उसी तरह से एक इंडेक्सिंग पोजीशन. तो मेमोरी एरिया नहीं होता है, बस उसका इंडेक्स होता है और इंडेक्स हर समय 0 से स्टार्ट होता है. अब मुझे यहाँ पे 23 एक्सेस करना है तो मैं इसके उस इंडेक्स को एक्सेस करूंगा जो 23 के लिए बना होगा. जैसे मैंने यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ बॉक्सेस ले लेता हूँ. अब ये इसका इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 पास कर दो. सेम चीज अगर मैं दूसरा बना रहा हूं तो यहाँ पे मैं दूसरा इंडेक्स बना लेता हूँ इसका एंड अब ये हो गया हमारा 2 के लिए इंडेक्स और इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, राइट, कुछ इस तरह से. इसी तरह से बाकी सबका, लाइक इसका 1 फिर इसका 2, इसका 2 हो जाएगा फिर इसका 3 इंडेक्स, इसका एक्चुअली 1 2 एंड देन 3 देन 4, इस तरह से. टोटल कितने वैल्यूज हमारे, 5 वैल्यूज हुए एंड इंडेक्सिंग कितने हुए, 0 to 4. तो कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारा एरेज के अंदर. तो वेरिएबल कितने हमारे पास, ए नाम का एक ही वेरिएबल है एंड उसके अंदर वैल्यूज कितने स्टोर्ड है, 5. उनको एक्सेस कैसे करना है, इंडेक्स के बेस पे. इंडेक्स हर समय 0 से स्टार्ट होता है एंड अब इसे एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली लिखना कैसे पड़ता है. जैसे मैंने अभी यहाँ पे वेरिएबल निकाल देता हूं, मुझे निकलना है सपोज मुझे लास्ट वाला एक्सेस करता, मैं लिखूंगा ए ऑफ 5th
ए वाला ए ऑफ फिफ्थ पास करूंगा या फिर अभी हमारा इंडेक्सिंग 4 तक है तो 4, तो वो मुझे 23 कर देगा एंड 22 रिटर्न कर देगा, 23 रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आए कॉन्सेप्ट किस तरह से स्टोर हो रहा है वैल्यूज। ठीक है, तो चलो इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं तब इसे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। सो चलो चलते हैं अपने नोटपैड में। तो लास्ट हम लोगों ने प्रोग्राम किया था डू वाइल का, मैं ये निकाल देता हूँ पूरा, क्लास तो रहने ही वाला है तो क्लास लेता हूँ बस एटलीस्ट। सो यहाँ से ये चीज निकाल देता हूँ मैं, ये रहा सिर्फ क्लास, एंड क्लास के अंदर फिर से पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ही ले रहे हैं फिलहाल, कोई अलग से नहीं बनाया, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वर्ड मेन, स्टैटिक का स्पेलिंग यहाँ पे ये निकाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर पास कर दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड यहाँ पे ब्लॉक पास कर दो मेन का ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना है कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं एक्चुअली एग्जीक्यूशन का पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ फिलहाल ए, लाइक इंट ए ऑफ समथिंग इक्वल टू वैल्यूज, यहाँ पे स्टोर करना है आपको कर्ली ब्रेस के अंदर वैल्यूज पास कर सकते हो, सेमी कॉलन पास करो एंड यहाँ पे जो भी वैल्यूज पास करना, लाइक मैंने 1 2 3 कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, इस तरह से मैं वैल्यूज पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यूज किसके अंदर स्टोर होने वाले हैं, ए के अंदर। अब इसका रेंज कितने होने वाला है, 3, लेकिन इंडेक्सिंग पोजिशन का रेंज कितने होने वाला है, 2 तक, 0 1 2 मैक्सिमम 2। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यूज को अगर यूज करना है तो मुझे एक्सेस करने के लिए किस तरह से करना पड़ेगा, लाइक ए ऑफ समथिंग, ए ऑफ सेकंड, ए ऑफ फर्स्ट, ए ऑफ, इस तरह से, राइट। तो चलो मैं खाली प्रिंट करके देखते हैं मैसेज, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैं सिंपली से कर्ली ब्रेस दे रहा हूँ, सेमी कोलन एंड मैं यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ ए ऑफ सेकेंड। अब हमारा वैल्यूज कौन सा आएगा वो देखो, सेव करते हैं, जाते हैं सीएमडी में, हैज सीएमडी एंड जावा सी एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जावा डेस्कटॉप पे जाना है, सीडी डेस्कटॉप एंड स्लैश जावा फोल्डर के अंदर एंटर, फाइल का नेम है सैम्पल डॉट जावा, कमांड है जावा सी, तो सिंपली यहाँ पे पास करो जावा सी स्पेस एंटर, कोई इश्यू नहीं रहेगा, कंपाइल हो जाएगा एंड अब रन करना है तो सिंपली कमांड है जावा एंड फाइल का नेम सैम्पल विदाउट एक्सटेंशन सैम्पल एंटर करो। सो फाइनली वी गॉट द आंसर 789, दैट इज लास्ट वन, राइट। सो ये रहा हमारा प्रोग्राम, लास्ट में हमारा 789152, कितने है टोटल 789152 एंड ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट, ओके ये रहा हमारा आंसर। तो हम इस तरह से एक्सेस करते हैं एरेज को। तो इसमें टाइप्स होते हैं एरेज में, एक होता है सिंगल डायमेंशनल, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल तो हम अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये जो हमने देखा वो था सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक ही रो में सारे के सारे वैल्यूज स्टोर हो जाए, एंड अगर मल्टी डायमेंशनल है तो वो रोज एंड कॉलम से वैल्यूज स्टोर होते हैं। ओके, सो आई होप एरेज आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैं इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद है इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसलिए, एंड दैट्स ऑल।